company. I'll be there. Hi, Wayne. Buddy, why do you keep coming back? The bears hate you. And so do we. All right, buddy. You know the drill. Hands behind your head and step away from the trap.
Come on. What you smiling at? No evidence, no crime. Freaking madman. Well, call me for the funeral. Come on, it's almost been 4 minutes. Guys, listen up. 100-foot cliff, 4 minutes under the water, and that, ladies and gentlemen, is a new world record. It's exaggerating, John. But drinks on me tonight. One bear trap as evidence. Thank you. They've been waiting for you all morning. Who? Those ladies over there. Why? No idea. Hello, Sonia ji. How are you? Fine, thank you. ये मेरी दोस्त है, Emily. Hello. Fine. इसका पति खो गया है. तुम्हारी मदद की जरूरत है. इन्हें आप पुलिस के पास क्यों नहीं ले जाती? गई थी. एक हफ्ता हो गया. अभी तक लापता है. जय अगर तुम ना होते, तो आज मेरा बच्चा जिंदा ना होता. देखिए, आपके केस में आप लकी थी, क्योंकि आपके पास फोटो थी और फोटो है. इसलिए तो इसे यहाँ लाई हूँ. Please. Okay, I'll try. ये फोटो कब ली थी? बस उसी वक्त. फोटो लेने के एक मिनट बाद एमिली बाथरूम गई थी. जब वो लौटी, उसके पति वहां नहीं थे. बस थोड़े लक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक मिनट के बाद मेरी जान को खतरा है. The ladies' room. Hurry back. You know we've got to get back to the cabin before dark. Okay. Okay, I'll wait here by the car. इसी खाई में पड़ा है वो सैमसन ट्रेल माइल मार्कर 0.4 के पास
जिंदा है पर जख्मी हालत में है वो. He's alive. I'll call the police. Take good care of your husband, okay? जय, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ. एक्सीडेंट हो गया है. Thank you, Sheila. You're welcome. How are you, Savitri? Fine. Hi. Hi, Uncle. Morning. कैसे हो? I'm fine. जतिन की इच्छा के अनुसार मैं उनकी विल पढ़ने जा रहा हूं. 12 पेजेस कानूनी भाषा के हैं, लेकिन बात इतनी सी है. मैं अपना सब कुछ सावित्री के नाम छोड़े जा रहा हूं. सावित्री, कुछ पेपर साइन करने हैं. I don't believe this. एक बाप अपने बेटे के साथ ये कैसे कर सकता है? वैसे भी मुझे उनके पैसों की चाह कभी थी ही नहीं. I know, लेकिन बुरा लगता है कोई अपने इकलौते बेटे के नाम पे कुछ ना छोड़े. Doesn't matter. It's all right. It's okay. You're right. वैसे भी मुझे क्या पड़ी जब तुम मेरे साथ हो. Thank you. जो हुआ मुझे बहुत बुरा लगा. बुरा लगने वाली क्या बात है माँ? तुम तो जानती हो मैं डैड के बिजनेस के बारे में क्या सोचता हूँ. अपने डैड से इतने नाराज मत रहो. नाराज नहीं हूँ माँ, सिर्फ दुख है कि डैड कभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पाए. ऐसा नहीं है जय, जतिन वॉज गोइंग टू चेंज. जतिन अपनी सारी दौलत तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम करने जा रहे थे. EPS के नाम? उन्हें मालूम था तुम्हें वापस पाने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है. शायद उस दिन यही कुछ कहना चाहते थे मुझसे. उस दिन सुबह डैड मुझसे मिलने आए थे. हाय सन. गुड मॉर्निंग डैड. आर यू श्योर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? जवाब आप अच्छी तरह जानते हैं. आज स्पेशल दिन है बेटा. क्या स्पेशल है डैड? आपके ऑयल कंपनी की एनुअल पार्टी, बेसा प्रॉफिट्स का अनाउंसमेंट, औरों की मुसीबत, अपना मुनाफा, दैट्स ऑल. मैं जानता हूं तुम मेरे बिजनेस से खुश नहीं हो,
और आज मैं वो करने जा रहा हूँ जिससे तुम्हें अपने डैड पर गर्व होगा। गुड गुड डैड। पर मैं हूँ कि सुनने को राजी नहीं था। बेटा प्लीज। बाय डैड। तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? आज स्पेशल दिन है बेटा। मेरी मदद करो बेटा। फिर वही सपना? नहीं, अब और एक सपने के साथ परेशान होना पड़ेगा। आई लव यू। विल यू मैरी मी? पता नहीं कहां से ये सवाल आ गया मेरे दिमाग में। जानता हूं कि हम एक दूसरे को सिर्फ एक साल से जानते हैं, पर लगता है मुझे मेरा हमसफर मिल गया है। जैसे मैंने डैड को खोया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं सच्चे बुरी बनोगी? चलिए 13वीं की पूजा शुरू करते हैं। इदं विश्व देवभ्यो नमम ओम अग्नियम सृष्टिकर्ते स्वाहा। इदं अग्नियम सृष्टिकर्ते नमम। ग्रेट स्माइल, huh? या वो चाहते थे कि हम उन्हें ऐसे याद रखें, हाथ में जाम, जिंदगी के नाम। जय, तुमसे कोई मिलने आया है। यस। हाय, I'm Habibullah Pasha, aka Happy. That's happy with an I, not Y. Yes, how can I help you? Bhul gaya. My detective, Habibullah Pasha, also known as Happy, with an I. Zara waiting. थोड़ी देर बाद दर्द देता भाई। बहुत अच्छे आदमी थे आपके बाबा। मैं जब यहाँ पे आया, मेरी बहुत मदद की उन्होंने, पैसे दिए, रहने को जगह, सब कुछ। टोरंटो में रहता हूँ मैं, यहाँ अनऑफिशियली आया हूँ, सीधा एयरपोर्ट से सीधा। क्या को बोले तो मामला है कुछ टेढ़ा है ना भाई। आपके बाबा तो बहुत अच्छा तीरते थे ना, जिंदगी भर बोटों में इधर उधर जाते रहते थे। इतनी आसानी से डूब कैसे गए? वो डूबे नहीं, हार्ट अटैक आया था उनको। उनकी किसी से दुश्मनी थी? काफी लोग उनसे बिगड़े हुए थे, मैं भी उनमें से था। तो फिर ये काम आप इस तो नहीं किए? क्या काम? ओह, नाउ लिसन डिटेक्टिव हैप्पी विद एन आई, आप ये अपने बंदूक तोप शोप गोले वोले यहाँ से ले जाइए। ओके, गुड बाय। ये देखो, जाते जाते एक सवाल करके जाता हूँ मैं, उनकी मौत से फायदा किसको हुआ था? ये बात पे जरा गौर करो आप। मेरी एक थ्योरी है, सुनेंगे? नहीं? बंदूक।
Hi, baby face. Happy, how are you? Very fine, thank you. Let's go. Sir, could you please walk me through it? Sure, officer. I was standing there on the boat, and I heard a sound. Sundar shouted out. How did he fall? I gave him his drink, and he sat there and suddenly slipped. And why did Mr. Puri sit on the railing? That was his favorite spot. He always sat there. I didn't think it was a matter of concern. And who was standing closest to Mr. Puri when he fell? It was Sundar, his brother. Mm-hmm. It happened very quickly. What kind of conversations did you have with Mr. Puri on the yacht that day? Just casual. You know, we've been friends for a very long time. Was Mr. Puri a good swimmer? Very, very good swimmer. Where were you when he fell overboard? I had to go and see to the food. Hi. Hi. Morning. Good morning. Good morning. It's a great day today. Let's go. Hello? Hi. This is Happy with an I. मैंने समझा हमारी बात हो चुकी है डिटेक्टिव कल रात मैं आपके बाबा की केस फाइल चेक करा I told you it was an accident. आपको मालूम मेरे दोस्त एंडी पुर्दे हैं उनका पोस्टमार्टम करना चाहिए कानूनी हक तो नहीं था इस वास्ते सिर्फ दरखास्त कर सकती थी उन्होंने और पोस्टमार्टम नहीं कर सकते बोले किसने आपकी अम्मा तुम समझते हो मैंने तुम्हारे डैड का खून किया है नहीं माँ मैं सिर्फ पोस्टमार्टम के मना करने की वजह पूछ रहा हूँ वजह यह है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे डैड के शरीर को काटा कुटा जाए और हिंदू होने के नाते मैं इस ऑटोप्सी की इजाजत कैसे दे सकती थी माँ दिस इज बुलशिट सच जानने के लिए ये धर्म की बातों को आप भूल नहीं सकती हैं व्हाट सच आर यू टॉकिंग अबाउट हम लोग सब थे वहाँ हमने उन्हें फिसलकर पानी में गिरते हुए देखा हार्ट अटैक होते देखा उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ा I'm sorry, माँ वो मगर मैं क्या करूँ वो मुझे मिला था हबीबुल्ला पाशा क्या नाम कहा He calls himself happy. Happy with an eye. How do you know? जब वो पहली बार यहाँ आया था हम ही ने उसकी मदद की थी ये उसने मुझे बताया तो ये भी बताया होगा कि उसे पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया था क्योंकि उसे पैरानॉइड डिल्यूशनल और ओसीडी के दौरे आते थे और वो मुंह छुपाने के लिए टोरंटो भाग गया था नहीं ना You can't trust him, बेटे वो बिल्कुल पागल है Thank you very much. Actually, he's quite harmless. I've known him for a long time. Yeah, but I would appreciate it if he stays away from me and my family. If you need anything else, just give me a call. Sure. Bye. एक मिनट, please. बात सुनते हैं आप देखिए मैं पुलिस को सब कुछ बता चुका हूँ अगर आप गिरफ्तार नहीं होना चाहते तो जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर आपके बाबा के कातिल को ढूंढना होगा मेरे बाबा का कत्ल नहीं हुआ हाँ हुआ और ये बात साबित करने के लिए तो मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत है भाई मैं बहुत परेशान हूँ और वैसे मुझे किसी पागल से बात नहीं करनी जस्ट गो एक मिनट प्लीज इस बात पर गौर करिए आप जतिन साहब का खून हुआ जिंदा रहते तो आपको बोलते कि मैं पागल नहीं हूं वेल अब वो नहीं रहे एक्सक्यूज मी कितने अफसोस की बात है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी मेरी बात मानो तो टोरंटो चले जाओ तुम मेरे को पुलिस से निकाले नहीं मैं खुद ही वहां से भागा था तुमको जो होना है समझो मैं खातिर को पकड़ के ही रहूंगा
मदद करो बेटा। जतिन साहब का खून हुआ। अच्छा हुआ माँ ने ये फोटो एक्सीडेंट से पहले ले ली। सच क्या दिखा दो डैड। सावित्री, कल से हमारा एक नया सफर शुरू हो रहा है और उस सफर के नाम चीयर्स। चीयर्स 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 अंकल चीयर्स। और इस शैंपेन से मैं अपने सारे पाप धोता हूं। सुंदर, अनदर ग्लास इफ यू प्लीज। श्योर, आई विल। मैं खाना लगा रही हूं। I'll help you with that, Ali. Okay. मेरे दोस्त और लॉयर होने के नाते तुमने इसमें मेरा बहुत बड़ा साथ दिया है। और जो होने जा रहा है उसके लिए I'm sorry, हाँ? अदित। या अंकल। I'm sorry, अदित। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका एहसान मंद हूँ। थैंक्स किड, मुझे यही सुनने का इंतजार था। सुंदर, माय ग्लास प्लीज। वेरी गुड, थैंक यू। तुम्हें इससे कोई एतराज? मुझे एतराज होने से क्या आपको कभी फर्क पड़ा है कि हम जितना नाटक करते हैं? कम ऑन सुंदर, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। Thank you.
what's your emergency? Oh, Sheila. कैसा है वो? डॉक्टर ने कहा कि ऐसा केस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा। आप उसे कुछ छुपा रही हैं? जब जय छोटा था तब उसे ऐसे ही दौरे आते थे। कैसे दौरे? बेजान, खुली आंखें घूरती हुई, और जब होश में आता था तो किसी का राज जानकर, जैसे किसी के अतीत में झांक कर आया हो। Hey, champ. Hi. Hi. How are you doing? Okay, yaar. Sheila, तुम आराम करो। मैं यहाँ रुकता हूँ। Actually, साहब को डिस्चार्ज किया जा रहा है। रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल है। Wonderful. मैं डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आती हूँ। Okay. बैठना। बोल। बात क्या है? मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता। कुछ तो बात है। मुझे लगता है डैड का खून किया गया। What? Dude, I think it's emotional breakdown की वजह से। No, it's not an emotional breakdown. तो फिर ये बेहुदा ख्याल तेरे दिमाग में कैसे आया? I have a secret. मैं तस्वीर के जरिए वहां गया था, उसी बोट पर, बिल्कुल उसी वक्त। वहां जो कुछ भी हुआ मैंने देखा है। वो रेलिंग टूटी हुई। टाइम आउट। तुझे ये बकवास है ना, किसी बेवकूफ के साथ जाकर करनी है तो कर ले, अपने दोस्त के साथ नहीं। इसीलिए मैंने शीला को नहीं बताया। तुझे अंदाजा भी है कि ये बात कितनी अजीब साउंड करती है? तेरे डैड की मौत एक हादसे में हुई, हकीकत। तुझे इसका गम खाया जा रहा है, हकीकत। तू एक 8x10 फोटोग्राफ में घुसकर बीते लम्हे देख सकता है। पागलपन। Am I interrupting something? कुछ नहीं शीला, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं इस इडियट का दोस्त क्यों। पागल हो गया ये। सुंदर चाचा डैड के सबसे करीब थे। उन्होंने उनको पानी में गिरते हुए देखा। फिर उन्होंने टूटी रेलिंग का जिक्र क्यों नहीं किया? और अगर रेलिंग टूटी थी तो उसे वापस किसने जोड़ा? भागे क्यों? तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कई बार आपको फोन किया है लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसकी वजह?
वो पुलिस वाला मेरे पीछे कर रहा है। क्यों? उसे शक हो गया। क्या आपने डैड का खून किया? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं सच जान के रहूंगा। बात करें। तुम्हारी थ्योरी क्या है? आपकी थ्योरी क्या है? मैसिव मायोकार्डियल इंफार्क्शन रिजल्टिंग ड्यू टू हाइपोथर्मिया। हार्ट अटैक। ठंडे पानी में गिर गए, इस वास्ते उनका हार्ट टूट गया। ये तो हम सबको पता है, इसमें आपकी थ्योरी क्या हुई? बीटा ब्लॉकर्स क्या है मालूम आपको? ये नन्नी मुन्नी गोलियां मैं अपने ब्लड प्रेशर के लिए लेता हूं। क्या स्ट्रेस की वजह से दिमाग फिर जाता है, लेना पड़ता है भाई। हैप्पी की हैप्पी गोलियां, इनसे दिल की धड़कन हल्लू हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में आता है। मैं समझा नहीं क्या कहा आपने। बोर्ड पे जितने भी लोग थे सबको मालूम था कि जतिन साहब को दो दो हार्ट अटैक हो चुके थे, राइट? कोई उनको एक्स्ट्रा बीटा ब्लॉकर दिया, ठंडे पानी में ढकल दिया, जिस वास्ते उनका हार्ट अटैक हो गया। मेरे डैड ना फिसले हैं ना किसी ने उनको धक्का दिया है। इतने यकीन से कैसे बोल सकते आप? अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। मेरे डैड हमेशा बोट के एक कोने में बैठते थे, कूलर पर पैर रख के, रेलिंग पर वजन डाल के। किसी ने उनके आने से पहले वो रॉड काट दी। वो आए बैठे, उस पर वजन डाले तो वो रेलिंग टूट गई और वो पानी में गिर गए। और उसके बाद उस रेलिंग को जोड़ दिया ताकि किसी को शक ना हो कि वो। बट कौन करा और काय को? शायद सुंदर चाचा। ओ। वैसे आप सुंदर चाचा के पीछे क्यों भाग रहे थे? मैं आपको बोला नहीं। अगर बोले होते तो मैं आपको पूछता। उन्हें इंडिया जाने का टिकट खरीदे थे। तो उनको आप रोक नहीं सकते हो? नो प्रूफ। हम दोनों की सीना काम करने के लिए थोड़े से सबूत की जरूरत पड़ती है। भी फर्क पड़ा है कि नए सफर के नाम। चीयर सुंदर। अनदर ग्लास इफ यू प्लीज। श्योर आई विल। मैं खाना लगा रही हूँ। आज हैप्पी बता रहा हूँ। ओके याम कर। आई एम सॉरी अभी। मैं तो आपका एहसान मानता हूँ। मुझे यही सुनने का इंतजार था। माय ग्लास प्लीज। वेरी गुड। थैंक यू सुंदर।
स्वीटी वीटी छोड़ो, जाग गए हो तो साफ साफ बताओ, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? तुम्हें विश्वास नहीं होगा। लेट्स सी, तुम लोगों पर डैड के कातिल होने का इल्जाम लगाते फिरते हो, जब तुम्हें मालूम है कि वो एक हादसा था। हर दो चार दिन में तुम हॉस्पिटल पहुंच जाते हो और हालत ऐसी कि डॉक्टर्स ने किसी की नहीं देखी। तो लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम जो कहोगे मैं यकीन करने को तैयार हूँ, ये भी कि ड्रैकुला खुद आकर तुम्हारा खून चूस जाता है। तुम्हें सब कुछ गाड़ी में बताता। तो तस्वीर में जाकर तुम्हें पता चल गया कि डैड का खून किया गया है? बिल्कुल, मैंने सुंदर चाचा को शैंपेन में गोलियां मिलाते देखा। तुम्हें पता है ये कितना क्रेजी साउंड करता है ना? जानता हूँ, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। अगर सुंदर चाचा ने डैड का खून किया है तो हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हम यहाँ क्यों आए? कोई यकीन नहीं करेगा, इनको डरा धमका के सच उगलवाना है अभी। बैड आइडिया। तुम यहीं रुको। अंकल, सुंदर अंकल, अंकल, बैड आइडिया। ओके, सुनो, मैं ऊपर ढूंढता हूँ, तुम नीचे ढूंढो। ढूंढना क्या है? सबूत। फिल्मों में ऐसे मौके पर अक्सर लाश मिलती है। Hi, babyface. Hi, happy. Can I have a quick word with him? Sure. Thanks. Hi, Jay. Aap Sheila hongi. Happy with an eye. Hello. So, ye tha tumhara thoda sa saboot. Tumhari theory bilkul theek nikli. Sundar chacha ne dad ke drink mein wo goliyan milayi thi. Aur tumko ye kaise malum? और वो सुसाइड नोट जो हमको मिला? खुदकुशी से धोखा तो नहीं खा रहे हो ना? फिलहाल तो सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। नहीं मानता, कोई और है। शीला, आप एक काम करो, इनको कोई बेवकूफी की हरकत ना को करने दो। कोशिश करूंगी पर ये सुनेंगे नहीं। हेलो,
रेडी? से देख रही हूँ Okay. Don't touch me. I'm sorry. तुम्हारा ये जुनून हम दोनों को मरवा कर रहेगा। अगर इस हादसे से कुछ साबित होता है तो यही होता है कि कोई है जो नहीं चाहता कि मैं सच जानूं। क्या कीमत पर जानोगे ये सच? तुम्हारी जिंदगी की या फिर शायद मेरी? I promise you, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ये तस्वीर के बकवास को छोड़कर पुलिस को अपना काम क्यों नहीं करने देते? अगर ये बकवास है तो मुझे कैसे पता होता कि बोट में क्या हो रहा है? कोई सबूत नहीं है जय, ना सबूत ना गवाह, सिर्फ तुम्हारी थ्योरी। हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो। Who do you think I've gone mad? I don't know, okay? मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारे साथ मैं भी पागल हो रही हूँ। तुम इतने गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात कभी नहीं मानोगे। और फिर से उस मनहूस तस्वीर या जहाँ भी तुम जाते हो जाकर रहोगे। I'm fed up, Jay. Okay. I won't do it again. Such. इस तरह दिल को मिला है
सुकून कुछ इस तरह खुश है ये दिल क्या कहूँ आसान है अब ये सफर जो बनी तू मेरी हम सफर कुछ इस तरह बड़ा घर है तुम दोनों यहाँ क्यों नहीं रहते जैसे बात करो ना मैं कोशिश करूंगी डेफिनेटली आई विल टॉक टू हिम कोई वहम ना है सनम तू मेरी सांसों के नजदीक है अपना सहन करना है हम जो इश्क है कुछ इस तरह कुछ इस तरह कुछ साथ है जैसे कोई दुआ नाजुक है बड़ा ये पल ये सवाल आ जा मेरी चाहों में तू हो जरा कुछ इस तरह दिल को मिला है सुकून इस तरह खुश है ये दिल Am I disturbing you all? जैसे लगता है वैसा नहीं है It's disgusting, Ma. Please, please मुझे समझाने दो समझना क्या है माँ सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है एक मिनट उल्टी सीधी बातें करने से पहले एक बात सुन लो मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ हमेशा किया है लेकिन उसने जतिन को चुन लिया और मुझे ये बात कबूल करनी पड़ी और अब जब डैड नहीं रहे तो आप दोनों How dare you, Jay? मुझे तो लगता है आप दोनों ने डैड को मरवा दिया फिर वही बकवास इस फोटो के चक्कर ने तुम्हें बिल्कुल पागल कर दिया है तो शीला ने आपको बता दिया तुम्हें किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए Oh, fantastic. Now he also knows about it. नहीं बेटा तुम गलत समझ रहे हो शायद आप सब मिले हुए हैं लेकिन सच तो मैं जान के ही रहूंगा और हाँ मैं अपना सारा सामान लेके आया था यहाँ रहने के लिए बट आई गेस इट्स ओवर क्राउडेड प्लीज Hey. Hi. जरूरी काम था इसलिए बुलाया था जी मैंने डैड का खून तूने किया क्या तूने बहुत पी ली वो छोड़ना तूने किया क्या मैंने सबको पूछ लिया सिर्फ तू ही रह गया था आई होप यू अंडरस्टैंड कम ऑन जय हो सकता है कभी बिजनेस में अनबन हुई हो डैड के साथ और कुछ भी हो सकता है फिर और झगड़ा हो गया हो तुझे गुस्सा आ गया हो वो मेरे पिता जैसे थे तुझसे ज्यादा मुझे अपना बेटा मानते थे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं यार सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल एक जवाब नहीं है ना मैं किसी पे भरोसा कर सकता हूँ ना कोई मुझ पे यकीन
सब कह रहे साले मैं पागल हो गया हूँ। तुझे क्या लगता है मैं पागल हो गया हूँ क्या? नॉनसेंस, मेरी बात मान और ये भूतों का पीछा करना बंद कर दे। चल आउट। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी विद अ वाई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ईपीएस को बहुत बार फोन किया, उन्होंने बोले एक हफ्ते से काम पर नहीं आए तुम। या थोड़ा बहुत वक्त चाहिए था। मेरे से बेहतर ये कौन जानेगा। इतने सारे ख्याल एक छोटे से दिमाग में एक साथ भागते रहते। मैं चाहता हूं कि तुम बीबी जी से जाके मिल लो। बहुत पहुंचे हुए गुरु है नू, शायद तुम्हारी मदद कर सके। तो तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? फोटो में जाना, कुछ देखना हजम नहीं होता ना भाई। पुलिस वाला हो ना, मेरे भी बहुत प्रॉब्लम थे, लेकिन बीबी जी के चमत्कार ने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। What? Cheers. What? तस्वीर पर मौत की छाया पड़ी है। क्या आप ये बता सकती हैं ये सब क्या है? क्या मैं पागल हो गया हूँ या ये मेरा वहम है? इंसान के जीवन को तस्वीरों का एक कारवा समझो। सैकड़ों तस्वीरों का कारवा, जैसे ये टैरो कार्ड्स। हर तस्वीर एक लम्हे को गिरफ्तार कर लेती है। हमारे पूर्वज दीवारों पर नक्श खींचते थे, आजकल हम तस्वीरें खींचते हैं। मकसद वही, वक्त को कैद कर लेना। इससे मेरी जिंदगी का क्या लेना देना? बीता हुआ कल और आज, तुम्हें वो शक्ति है जिससे तुम आज की तस्वीर को दरवाजा बनाकर पिछले पल में जा सकते हो। लेकिन ये शक्ति मुझ में आई कैसे? कोई ऐसी घटना हुई जिसने तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगने पर मजबूर किया। कैसी घटना? इसका जवाब तो तुम्हारे अतीत में दबा है। ध्यान रहे, जितनी देर पिछले पल में रहोगे लौटना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। जानता हूँ, जब भी मैं एक मिनट से ज्यादा रुका तो लगता है जैसे मौत को गले लगाकर वापस आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वापसी का दरवाजा बंद हो जाए। मतलब? तस्वीर ही अंदर और बाहर का रास्ता है। अगर तुम उसके अंदर हो और कोई उस तस्वीर को मिटा दे या उसका नाश कर दे तो तुम हमेशा के लिए वहीं फंस जाओगे।
तो बस एक काम रह गया है, सच की तलाश। सच तो ये तस्वीर ही बताएगी। It ends today. Damn that baby जी। Thanks यार, तू मेरे साथ है। सुंदर अंकल अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और जरूर था, ये पता लगाना है बस। I agree. मगर अभी हम क्या करें? अब बस तू देखता जा। अब जाना कहाँ? Damn that baby जी। जानते हो ना कि तुम कितने कमीने हो जो एक लड़की को मंडप पर छोड़ भाग निकले, और वो भी उस शादी जिसका खर्चा मैंने उठाया। अपने माँ बाप को मनवाने के बाद कि तुम उतने जलील नहीं हो जितना वो समझते थे, फिर अपने कुरकुराते परिवार वालों को इतने बड़े देश के चारों कोनों से इकट्ठा किया सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे जैसे चापलूसी करके काम निकालने वाले पुलिस वाले के साथ गुजारूं। तुम्हें कुछ कहना भी है जी? एक छोटा सा काम है। तुम जानते हो ना कि इससे मेरी नौकरी जा सकती है? यस साली। तुम्हारा गला घोंटने को दिल करता है हबीबुल्ला पाशा। यस साली। God, you frustrate me. Yes, sir. Excuse me. If you need me, मैं nurse station पर रहूंगी. Yes, sir. कोई अंदर नहीं आएगा. Absolutely, sir. काफी scary चीज है. Scary नहीं, बहुत प्यारी चीज है. Ready? हाँ. काय के वास्ते भाई? Happy. बस तुम खून चढ़ाने को तैयार है ना? कब? जब मैं वापस आ जाऊं। हाँ से। नए सफर के नाम। Cheers, 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 uncle. सुंदर, another glass if you please. Sure, I'll get. और जो होने जा रहा है उसके लिए I'm sorry. सावित्री, मुझसे पेपर्स मंगवाया गया है। मैं जानती हूँ। कल तक बहुत देर हो चुकी होगी। फैसला उनका है। हमें उसे रुकना होगा सावित्री। मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। तुम हर बार उसकी ही नहीं सुन सकते। देखो ये बीप स्लो होती जा रही है।
I'm sorry, महेश फोन करके बुलाया था. मैं समझा कि तुम गए भाई. तुम भी अपने आप को देखते तो यही करते, खुली आंखें घूरते हुए ऐसे सब. शीला वापस वॉइस करने जा रहा हूं, तुम ही समझाओ भाई. प्लीज स्वीट हार्ट. बस एक रह गया है, या तो हम इसे यहां करेंगे अस्पताल में सबके साथ, या फिर मैं अकेले करूंगा. लेकिन स्वीटी करूंगा जरूर मैं. कल से हमारा एक नया सफर शुरू हो रहा है. Cheers. Cheers. सुंदर, another glass if you please. Sure. Okay. खाना लगा रही हो? हम? I'll help you with that, Rani. Okay. फिर मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया. अब साली कम, लेट्स गो. मैं अब सब जान गया हूं. हाय हाय. मैंने बुलाया. वो तुम्हें घर छोड़ देगा. अनिल अंकल के यहाँ कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा. मैं व्हीलचेयर ले आती. मैं कहीं नहीं जा रही स्वीटी. आई बी राइट बैक. तो तू जान गया है हा? टांग अड़ाए बिना नहीं रह सकता था. क्यों किया तूने ऐसा?
पैसा जय, जवाब अक्सर यही होता है। आदित, हेल्प जय टू द व्हीलचेयर ना। श्योर शीला, कम ऑन बडी, मुंह खोला ना तो शीला भी। इस बला को मैं अपने पास रख लेता हूं। इजी बडी। सवालों का जवाब मिला? कुछ भी नहीं। कभी मेरी याद आई? यस साली। गॉड यू फ्रस्ट्रेट मी। यस साली। काम पड़ा तो वापस आ गए? यस साली। कभी मेरे बारे में भी सोचो। यस साली। सैटरडे को मिलते हैं। यस साली। Sweetie, I'll see you later, okay? Bye, thanks so much. My pleasure. Time for a joyride, buddy. Lift me, jo chalaki ki, wo dobara mat karna. Ab hum chup-chap yahan se chalenge. Take care of business. और तुम एक गुड बॉय की तरह बिहेव करोगे। क्या लगता है तू जीत गया है? द गेम इज नॉट ओवर येट। तस्वीर पर मौत की छाया पड़ी। कोई घटना हुई? घटना क्या हुआ थे? इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, अब कोई खतरा नहीं। हाय पार्टनर। हाय। पूरी रात यहाँ था, एक मिनट तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। आदित पकड़ा गया? नहीं, गायब हो गए। ऑफिस, घर, बैंक अकाउंट सब में झाड़ू मार के निकल गए। मत तुम फिक्र ना को करो, बाकी किधर जाएंगे? अब तो खुश हो? खेल खत्म नहीं होने? नहीं। हेलो अंकल।
एक दिन अचानक जतिन ने हम सबको घर बुलाया। मैंने आप सबको यहाँ एक खास वजह से बुलाया है। आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। मैं सब कुछ ईपीएस के नाम करने जा रहा हूँ। सावित्री, सुंदर, अदित और मैं शेयर होल्डर्स होने के नाते इस फैसले से बहुत पैसे खोने वाले थे। That's not fair. क्यों जतिन? हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने के नाते ये फैसला मेरा है। मेरी उम्मीद थी कि सावित्री हमारा साथ दे, पर माँ को ये मंजूर नहीं था। वो हमेशा डैड का साथ देना चाहती थी। अच्छा, तो उस दिन बोट पर आप माँ को यही समझा रहे थे? कल तक बहुत देर हो चुकी होगी। फैसला उनका है, हमें उसे रोकना होगा। सावित्री, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। जतिन ने उस दिन मुझसे पेपर्स मंगवाए थे, लेकिन उन्हें साइन करने से पहले ही वो घबराओ मत, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो ही रही है। अब कंपनी सावित्री के नाम पे है और आज वो वही करने जा रही है जो जतिन की मर्जी थी। सारा पैसा आज ईपीएस के नाम हो रहा है। आज शीला ने सब पेपर सावित्री को दिए हैं। और जिसने भी कैनॉल की डील के खातिर डैड का खून किया वो सपना पूरा होगा। जिंदगी के नाम।
911. It's an emergency. Ma. Hey, Ma. Ma. Upar attic mein. Dad. This way. Baksa. आप मॉम के साथ हॉस्पिटल में रहिए, मुझे कुछ करना है। मैं वहीं रहूंगा, डोंट वरी। Baby, what's up? Sheila, तुम कहाँ हो? Office से घर जा रही हो, क्यों? तुम वहाँ से निकलो, you're not safe, just go home. What do you mean? Sheila, it's not over, I have to do something. जय, ये कब खत्म होगा जय? समझने की कोशिश करो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, okay? तुम घर जाओ, bye. तुम्हारा वो निकम्मा दोस्त कहीं मुझे दोबारा धोखा नहीं देगा ना? I'll make sure कि ऐसा नहीं होगा, पर प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज। ये एड्रेनलिन का इंजेक्शन है, तुम्हें फौरन होश आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, जान भी जा सकती है। थैंक यू। लाली का फोन आया था भाई, फिर से वो तस्वीर उसी का चक्कर तो नहीं ना? या सच हमेशा मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मैं देख नहीं सका। मुबारक हो, अब ये नई थ्योरी मेरे को बताएं? डैड मुझे यही दिखाना चाहते थे। बोट पे? डैड ने बोट पे उन चारों के अलावा किसी और को भी देखा था, पर जब मैं पहली बार तस्वीर में गया तो पूरा सच जाने बगैर वापस आ गया। ये फोटो का चक्कर छोड़ो, जान का खतरा है भाई। बस एक आखिरी बार। पार्टनर, पिछली बार भी तुम मेरे को यही बोले थे। सैली भी बोल रही है। हैप्पी, सुनो, सैली को दोबारा धोखा मत देना। इस बार नहीं दूंगा पार्टनर। बट प्लीज मेरी बात सुनो, ये काम बहुत रिस्की है। बाय। हेलो। Thank you.
ट्रेन से मैं अपने अंदर हो और कोई उस तस्वीर को मिटा दे या उसका नाश कर दे तो तुम हमेशा के लिए वहीं फंस जाओगे। जिसने तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगने पर मजबूर किया। ये तुम चीटिंग कर रहे हो? इसका जवाब तो तुम्हारे अतीत में दबा है। Mommy!
आजमा लिया है डॉक्टर, एक एक्सट्रीम तरीका है, लेकिन आमतौर पर वो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करती। चीत का हर निशान मिटा दीजिए, उसके कपड़े, उसके खिलौने, और हाँ, खास करके तस्वीरें। पता नहीं इसका इनसे क्या ताल्लुक है, पर ये तस्वीरें उससे दूर रखिए। ऐसा कुछ ना हो जो उसे जीत की याद दिला सके, बल्कि हो सके तो ये शहर भी छोड़ दीजिए। हमारा कनाडा में काफी बिजनेस है, क्यों ना हम वहां शिफ्ट हो जाएं। उसे बंद करो। थैंक्स टू बीवी जी, मेरा काम कितना आसान हो गया। ना चाकू ना बंदूक, बस एक तस्वीर को आग लगाओ और वो मर गया। अभी रेडी बेबी? एब्सोल्युटली डार्लिंग, अदला बदली के लिए बिल्कुल तैयार हम लोग। और ये घूम रहे। जस्ट इमेजिन, आई एम जयपुरी, कनौल कंपनी की करोड़ों की जायदाद का एक इकलौता उदास वारिस। गॉड, यू आर ब्रिलियंट जी। नो जी Darling, no Jeet, get into the habit of calling me Jeet. इतने सालों बाद भाई, और मैं समझता था कि मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो गई, ऐसा तुम चाहते थे। वो एक एक्सीडेंट था। नहीं, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो तूने मुझसे छीन ली। तुमने तो कहा था कि वो मर चुका है ना। एक मिनट पहले तो मैंने उसकी सांस देखी थी। ध्यान से चेक करना चाहिए। मैं ध्यान से चेक करना चाहिए। ऊपर से भरी हुई बंदूक वहां छोड़ दी। चुप कर, शट अप डैमन, जस्ट शट अप। ऐसा क्यों किया तुमने शीला? ये इमोशनल बकवास बंद करो जय। मैं जीत से प्यार करती हूँ और हमेशा से करती आ रही हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने उसके साथ जो सुलूक किया, और मैंने तुमसे प्यार किया, जानती हूँ स्वीटहार्ट, बहुत प्यार किया, प्रोटेक्ट किया, शादी भी करना चाहते थे। शाबाश। जय, फोन नहीं उठा रहे। बोलो, ठीक तो है ना? हाँ, क्यों? वो तो सो रहे। नहीं, बोला फिर से फोटो में जा रहे हैं बोल के, तो मैं सॉरी, मैं समझी नहीं। हैप्पी, हैप्पी, एवरीथिंग फाइन। नहीं, जय बोला हैप्पी। सॉरी हैप्पी, उसने कहा कि अगर मैंने तुमसे कुछ भी कहा तो वो जय को मार देगा। हैप्पी जय मैं हूँ, डोंट बिलीव हिम। हैप्पी जय मैं हूँ। नो, ही इज लाइंग, मैं जय हूँ। हैप्पी, उसने मुझे गोली मारी है, ये देखो। नो, इसके चक्कर में मत आना हैप्पी, झूठ बोल रहा है ये। जय मैं हूँ, हेल्प मी हैप्पी। जय, शट अप। शीला, तुम इसे बताओ। नो, हाँ, जय, मैं जय हूँ हैप्पी।
ओके, गन नीचे रख दो। नहीं हैप्पी, ये झूठ बोल रहा है। ये साले दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, अगर हम लोग मिले हुए हैं तो क्यों ना पुलिस स्टेशन जाके इसका फैसला कर लें। फेयर इनफ। ये नाटक कर रहा है। मेरे को गोली मारने पर मजबूर रखो करो। नीचे स्टॉक। आप पीछे। ट्रस्ट मी, यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। साली को दोबारा धोखा मत देना। क्या? साली को दोबारा धोखा मत देना। शीला, डैड के पास जाने का वक्त आ गया भाई। अगर मेरी जगह ही लेनी थी तो अब तक क्यों रुक रहे? शीला, जय को सब कुछ बता दूं? Why not? Part one, आदित को प्लान में शामिल करना पड़ा क्योंकि हर प्लान के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत होती है। आदित, this is it. आदित का ये ख्याल था कि हमें कोई बकरा चाहिए। सुंदर चाचा वाज अ ग्रीडी बास्टर्ड। उसे कन्विंस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, पर जब उस दिन उसने तुम्हें मैं समझ लिया तो सब गड़बड़ होने वाली थी। उसे तो जाना ही था। उसका गला घोटने में मुझे बहुत मजा आया। पार्ट टू, तुम्हें मेरे प्यार की जाल में फंसाना, जो बड़ा ही आसान था। मानो या ना मानो, हम एक जैसे सोचते हैं। किंकी है। पार्ट थ्री, हमने तुम्हारी हर अदा सीखनी शुरू की। तुम्हारा खाना पीना सोना जागना, यहां तक कि तुम्हारा सांस लेना। बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे जीत जय बन गया। अब प्लान कामयाब होने में सिर्फ एक काम बाकी था, असली जय की मौत। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन डैड ने अचानक ये फैसला कर लिया कि वो सारी की सारी दौलत, यानी कि मेरी दौलत, तुम्हारे उस पेड़ पौधों वाली कंपनी को दे देंगे। हमें प्लान को बदलना पड़ा। आदित ने ब्लड प्रेशर की गोलियां चुराई, मैं बोट पे गया, रेलिंग काटी, फिर उसे वापस जोड़ा। वो सब तो तुम जानते ही हो। उस दिन मैं बोट पे ही छुपा रहा ताकि अब कुछ गड़बड़ ना हो। प्लान पटरी पे आ गया। कंपनी ट्रांसफर होने से पहले डैड की मौत हो गई, और जैसे कि ये काफी नहीं था, अब हमारी माँ ने सती सावित्री बन के हमारे पूज्य पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला कर लिया। कितने अफसोस की बात है कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली वापस चाहता था और मुझे उन्हें मारने पर मजबूर किया गया। जीत। नाउ टेल मी भाई,
Is that fair? मेरे साथ ना इंसाफी हुई है ना? Sweetie, will you help me with this? I'll come back. आदमी खिलौना दुनिया के खेल में जो होना है वो होना है असूल खेल के मेरी नजरों से देखो मेरी जिंदगी मुझे इसे मारने पर मजबूर मत करना जीत बंदूक फेंक दो गॉड डैम इट भाई तू मरता क्यों नहीं मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ थैंक यू ये कहकर इंसाफ कर दिया तूने मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए आई वॉन्ट माई लाइफ बैक जो तूने मुझसे छीन ली जीत मुझे एक मौका दो मेरी बात मानो बचपन में जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था मैं तब भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और आज भी नहीं भाई आई एम ऑन योर साइड सी नो ड्रिंक्स प्लीज इतने सालों बाद मुझे मेरा भाई मिला है मैं उसे फिर खोना नहीं चाहता बहुत देर हो गई है नहीं हुई है सच्चाई हमेशा सिर्फ हमारे बीच में रहेगी और कोई सबूत भी तो नहीं है भाई बस मेरा वो तस्वीर के अंदर जाना
जो कोई नहीं मानता, यू नो दैट। हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। वी कैन बी अ फैमिली अगेन। शूट हिम जीत। जस्ट थिंक भाई। जीत क्या कर रहे थे? पुत्र कर रहा। जीत। जस्ट शूट हिम। प्लीज लिसन टू मी। जीत। शूट हिम। भैया क्या सब कुछ ठीक हो सकता है? ऑफ कोर्स। वी कैन स्टे एज अ फैमिली। वी कैन। व्हाट फैमिली? जीत। शूट हिम। Thank you.
got the 8x10, I need the picture. Go get the 8x10, who got the picture? Give me the 8x10, I got the picture. We got the 8x10, give me the picture. Who got the 8x10, I need the picture. Go get the 8x10, who got the picture? Give me the 8x10, I got the picture. We got the 8x10. आज भी खेलो ना दुनिया के खेल में, आज भी खेलो ना दुनिया के खेल में, जैसे नशा शराब में और गर्मी आग में और रोशनी छोड़ जाती जाद जैसे रात में और सोच दिमाग में और पसीना हाथ में पर नोट जब हाथ आए तो कोई ना साथ दे। आज भी खेलो ना दुनिया के खेल में, जो होना है वो होना है असूल खेल के बदल दे लोग असूलों पे जो जल देना, दिल में रोक पर खौफ मेरे मन पे ना, मैं मुर्दों में जिंदा हूँ मरे बिना, मैं लापता और रूह मेरी अजनबी, मेरी नजरों से देखो मेरी जिंदगी। Take a ride with me, let's go deep inside my zindagi. Lights, camera, action, reaction is a mystery, a clue. Every path leads to confusion, lack of information, blinded by illusion. Slow down, take a good look around. Life is a game and we on the playground. Picture perfect with precision, stay on until the end. Only weapon in my hands is the 8x10. Haath bhi khelo na duniya ke khel mein, haath bhi khelo na duniya ke khel mein. आज भी खेलो ना दुनिया के खेल में, आज भी खेलो ना दुनिया के खेल में, secret. I have a secret.